तुम्हारे साथ रहे, प्रभु तुम्हारे साथ रहे, प्रभु तुम्हारे साथ रहे। लगता है इसराइल में अकाल आखिर खत्म हुआ। नातान, सब इससे उभरे नहीं है बोआज। इस साल हमारे यहाँ बिनने कई लोग आए हैं। हमारी जरूरत से ज्यादा जो हमें दिया है, क्या इस आशीर्वाद को पड़ोसियों के साथ नहीं बांटेंगे? हाँ, और गेहूं भी लगभग तैयार है, हम जल्दी उसकी कटाई करेंगे। नातान, कौन है वो जवान स्त्री जो वहाँ है? वो जवान स्त्री नाओमी के साथ लौटी मुआबीन है। मुझे लगता है कि उसका नाम रूथ है। तो वो रूथ है। नातान, उसे डेरियों के बीच अनाज बिनने दो। जौ के कुछ दाने डेरियों के बीच में जानबूझकर उसके लिए गिरा दो और निश्चित कर कि उसे पुरुष परेशान न करे। लेकिन वहाँ दर्जन भर बीनने वाले हैं, इस एक के बारे में क्या खास है? जैसा कहता हूँ वैसा कर और उसे कठिनाई में न डाल। उसका जीवन काफी मुश्किल रहा। देखते हैं, स्नॉर्गिल चेक करो, सन्टान लोशन चेक करो, साफ मोजे कम से कम दो जोड़ी डबल चेक करो। झील पर इस सप्ताह गर्मी हो सकती है, तो हरा या नीला? हाँ, शायद दोनों। तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड आंट आ गई। और तुम सूटकेस को तोड़ने वाले हो? ये तो मैं हूँ। हमें लगा क्रिस की ग्रेट ग्रैंड आंट इजाबेल आई है। वो महिला जो नीचे है? हाँ, मेरा विश्वास करो, बिल्कुल अजीब है। हाँ हाँ, उन्हें लगता है कि मैं रेफ्रिजरेटर हूँ। हाँ, वो मूर्खता है। जब हम जीत पर जाएंगे तब मैं तुम्हें ठंडा रखने के लिए कुछ तैयारी कर रहा हूँ। ट्राई करोगे इस मलिशियस ग्लेशियर कोन जो 73 फ्लेवर्स में उपलब्ध है। बस देखती जाओ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ बहुत स्पीड में। तुम्हारा रेफ्रिजरेटर फिर से मेरे पीछे लगा है। मैं एक रेफ्रिजरेटर नहीं हूँ। माफ कीजिए आंटी इजाबेल, ये दुर्घटना थी। गिज़्मो आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ओह, यहाँ हो तुम। ठीक है, मैं तुम्हें इस सप्ताहांत में मिलती हूँ क्रिस्टोफर, और आइस मेकर को घर पर छोड़ना। माँ, उससे उनका क्या मतलब था? तुम्हारी आंटी को आंगन में कुछ काम करवाना है और तुम जैसे एक मजबूत लड़के की मदद चाहिए। माँ, मैं जॉय के परिवार के साथ झील जा रहा हूँ। ओह क्या, वो इस सप्ताह था? सॉरी क्रिस, मैं भूल गई। माँ, वो सोचती कि मैं उनके घर आ रहा हूँ। क्या आप और पापा उनकी मदद नहीं कर सकते? मुझे अफसोस है क्रिस, मैं सच में तारीख भूल गई। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम्हें जो चाहिए तुम चुन लो। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी आंट इजाबेल के लिए कठिन परिश्रम नहीं करने वाला। और मैंने तुम्हारे स्नो कोन्स के लिए बर्फ का चूरा करने में आधा दिन बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें एक स्त्री से मिलवाने ले जा रहा हूँ जिसने अपने परिवार की खातिर दयालुता दिखाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। जल्दी छुप जाओ। गिल्स, इसकी रीडिंग लो कि हम इस वक्त किधर हैं। मेरे जियो सेंसर के मुताबिक हम ईसा पूर्व 12वीं सदी में बेथलेहम के बाहर पहुँच चुके हैं। नातान, मैं उस मुआबीन स्त्री रूथ को ढूंढ रहा, वो अब अन्य बीनने वालों के साथ नहीं है। मैं उसके बारे में पूछूंगा। गेस, ये बीनने वाले कौन है जिनके बारे में वो बात कर रहा है? मेरी इन्फो स्कैन फाइल्स बताती है कि बीनने वाले वो गरीब लोग होते हैं जो कटाई के बाद बची हुई फसल को इकट्ठा करते हैं।
इकट्ठा करना मुझे ये चोरी जैसा लगता है। क्रिस जरा धीरे बोलो। हाँ खैर, हमें जल्दी ही कोई जगह ढूंढ के यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी की छुट्टियाँ हैं और मैं इन्हें इन गरीबों के साथ जंगली घास उखाड़ने में और कुछ भी करने में नहीं बिताना चाहता। क्रिस मैं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। हम गरीब हैं लेकिन हमें अपनों को खिलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं रूथ हूँ, आओ तुम हमारे साथ बीन सकते हो। रूथ यही है वो जिसे मालिक ढूंढ रहे हैं। हाँ देखा, मैंने कहा था वो निश्चित या ना चुराने के लिए उस पर नाराज होगा। देखते रहो। तुम्हें ये क्यों करना होगा? नाओमी। नाओमी कौन है? नाओमी के दो बेटे थे, मैंने एक से शादी की और पाने दूसरे से शादी की। वे दोनों बेटे मर गए। नाओमी की देखभाल के लिए कोई नहीं था क्योंकि उसका पति सालों पहले मर गया था। उन्होंने बेतलहम में अपने परिवार के घर लौटने का निर्णय किया। मेरी जेठानी और मैं उनके साथ आना चाहते थे लेकिन उन्होंने हमें रोका। क्या तुम अपनी माँ के घर नहीं जाना चाहती हो? यहोवा तुम में से हर एक को दूसरा पति और तुम्हारा अपना एक घर दे। मेरी जेठानी वापस घर चली गई लेकिन मैं नाओमी के साथ रुक गई। जिधर आप जाएंगी उधर मैं भी जाऊंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब मैं नाओमी की बहू बनी तब वो मेरा परिवार बनी। जहाँ वो जाती वहाँ मैं भी जाती हूँ। हाँ परिवार एक दूसरे की देखभाल करते हैं। लगता है मालिक ने रूथ को ढूंढ लिया है। वो सोचेगा कि हम उसकी चुराने में मदद कर रहे हैं। मेरे प्रभु, जब तू अनाज जमा करती है तो किसी दूसरे खेत में मत जाना। मेरे खेत में काम करने वाली जवान स्त्रियों के पीछे ही रहना और जब तुझे प्यास लगे तब तू कुएं से उनके द्वारा खींचा हुआ पानी ही पीना। मैंने ऐसा क्या किया है जो उस दया के लायक हूँ? मैं तो बस एक परदेशी हूँ। हाँ मैं जानता हूँ लेकिन मैं वो सब भी जानता हूँ जो तूने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए किया है। मैंने सुना है कैसे तू अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ बिल्कुल अनजान लोगों के बीच रहती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तेरी करनी का प्रतिफल तुझे दे। तूने दया से बात करके मुझे सांत्वना दी है। अब भोजन का समय है, आजा आकर खाना खा। जिस पुरुष के पास आज मैंने काम किया उसका नाम बोअज़ है। बोअज़? वो तो हमारा एक कुटुंबी है। उसने पूरा दिन हम सबकी देखभाल की और वो अच्छा दयालु और उदार था। उदार? यदि वो उदार होता तो हम अपने साथ घर में सामग्री लाने के बजाय असली खाना लाते। बोअज़ ने मुझसे कहा कि वापस आकर उसके खेत में ही रुकूं जब तक सारी कटनी पूरी नहीं हो जाती। अच्छा है, जैसा उसने कहा वैसा ही कर मेरी बेटी, तू उसके साथ सुरक्षित रहेगी। परमेश्वर के पास रूथ के भविष्य के लिए एक योजना है। कड़ी धूप में काम करना मुश्किल है। जो गर्म हवाएं तुम्हारे मुंह से आ रही हैं, किसी काम की नहीं है। ऐसा है तो मेरे प्रसिद्ध गिज़्मोलिशियस ग्लेशियर कोन्स में से एक कोन खा के देखो। है तुम? हाँ? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ नीचे आओ। वो, वो, तुम क्या? ये सही नाप का है। चलो चले। सही नाप का किस लिए? मुझे नीचे उतारो। उन दो जिम्मेदार लोगों के साथ वो शायद कुछ काम करवा सकता है। मैं उस पर नजर रखूंगा। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद जॉय। तुम्हारा स्वागत है। तुम और नाओमी इतने दयालु हो कि हमें तुम्हारे साथ ठहरने दिया। उसके बदले हम कम से कम बीनने में मदद तो कर सकते हैं। क्या? कृपया एक और ग्लेशियर कोन दीजिए। हाँ हाँ ये लो। हाँ धन्यवाद। ये पूरा समय क्या तुम यही कर रहे हो? इस पर जॉय राइड ले रहे हो? ये
स्लेज, ये कटाई का एक प्राचीन औजार है जो अनाज को भूसे से अलग करता है। जॉय, मैं वही कर रहा हूँ जो उन्होंने मुझे करने के लिए कहा था। तुम जो नहीं कर रहे हो वो है मदद करना। हे जॉय, मैं जानता हूँ तुम्हें जरूरत है एक किस मलिशियस ग्लेशियर कोन की। तुमको तो ये दिखाई नहीं देता है ना क्रिस? क्या देखूं? रूथ कितनी कड़ी मेहनत करती है। वो अपने परिवार के लिए वचनबद्ध है। उसने सब कुछ त्याग दिया वो यहाँ आई ताकि नयोमी अकेली ना हो। वे हम पर दया कर रहे हैं और तुम किसी तरह की छोटी सी मदद भी नहीं करोगे। तुम्हारी ताई इज़ाबेल के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्रिस क्वांटम हमेशा पहला है। तुम कभी कभी बहुत स्वार्थी होते हो। किस्मो, क्या मैं स्वार्थी हूँ? नहीं, हमने उसे ग्लेशियर कोन दिया। और देखो वो कैसे बदला चुका रही है। मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। कल कटनी का आखिरी दिन है। हाँ, और ये खास तौर से अच्छा था कि बोस ने इस समय तुम्हें बीनने का मौका दिया। रूथ, मुझे अब तुम्हारे लिए पति ढूंढना चाहिए जो तुझे घर दे और देखभाल करे। एक पति? एक पति? एक पति? आज रात बोस खलिहान में जौ फटकेगा। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। इत्र लगा और अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहन, फिर खलिहान को जा। लेकिन जब तक बोआस अपना खाना पीना खत्म न कर ले, वो तुझे न देखे, वो चोरों से अपने अनाज की रक्षा करते वहीं सोएगा। वो कहाँ लेटता है उसकी जगह को देख लेना, फिर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, वहीं रुकना और बोआस तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। लगता है रूथ ने बोआस को ढूंढ लिया है। यप, और ऐसा लगता है कि मैंने एक अच्छी जगह ढूंढ ली है थोड़ी नींद लेने के लिए। मुझे जगा देना यदि कुछ दिलचस्प घटता है। तू कौन है? मैं तेरी दासी रूथ हूँ। अपनी चादर का कोना बढ़ा, मुझे उड़ा दे क्योंकि तू हमारा निकट कुटुंबी है। ये क्या कर रही है? रूथ एक प्राचीन इजरायली परंपरा का पालन कर रही है। जब एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करना चाहता है वो उसे अपना लबादा उड़ाकर उसकी दुल्हन होने का दावा करता है। वो उसे विवाह का प्रस्ताव दे रही है। लगता तो ऐसा ही है। यहोवा की आशीष तुझ पर। ये दिखाता है कि तू अपने परिवार की कितनी वफादार है। तू किसी जवान की भी तलाश कर सकती थी लेकिन तूने नहीं किया। ये सच है कि मैं कुटुंबियों में से एक हूँ जिसे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन एक और है जो और भी नजदीकी कुटुंबी है। सुबह तक यही रुक, तब मैं पता करूंगा कि क्या तुम्हारा वो अन्य कुटुंबी तुम्हारी देखभाल करना चाहेगा। हाँ, वो उससे शादी नहीं करने वाला। लेकिन उसने कहा कि उसे उसकी देखभाल करनी चाहिए। यदि वो नहीं करता है तो यहोवा के जीवन की शपथ मैं स्वयं करूंगा। अब सुबह होने तक सोती रहो। वाह, मैं ऐसा होने की उम्मीद नहीं कर रही थी। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है क्रिस? खैर,
वो आज परंपरा का पालन कर रहा है और यदि रूथ का अन्य कुटुंब भी उसकी देखभाल करेगा तब तो बुआ रूथ से शादी नहीं कर पाएगा। उसने उसके लिए कितना कुछ किया है और वो उसका कितना ध्यान रखता है। जॉय उठो, रूथ जा रही है। क्रिस आओ, हमें जाना है। ठीक है ठीक है, मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे हूँ। रूथ, सो क्या हुआ? क्या तुम उसे शादी करने वाली हो? मैं अभी कुछ नहीं जानती। बस धैर्य रखो मेरी बेटी, जब तक हम सुनते नहीं कि क्या होता है। आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। बस रुको, क्या तो नातान, तुम्हें आज खेतों का ध्यान रखना होगा, मुझे शहर में कुछ जरूरी काम है। हाँ मेरे मालिक। क्या चल रहा है? बॉस ने बुजुर्गों को एक साथ बुलाया है लेकिन वजह कोई नहीं जानता। नाओमी मोआब देश से लौट आई है और वो अपने पति के हिस्से की जमीन बेच रही है। तो उसका निकटतम कुटुंबी है और संपत्ति खरीदने का अधिकार रखता है। यदि तू चाहता है तो अभी यह खरीद सकता है। मैं ये खरीदूंगा। ओ, नहीं। अब यदि तू इसे नाओमी से खरीदता है, तुझे उसकी बहू रूथ से भी ब्याह करना होगा। तो फिर मैं जमीन नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरा अपना परिवार है। तू स्वयं उसे खरीद सकता है। तुम गवाह हो कि मैंने नाओमी के पति की संपत्ति खरीदी है और कि मैं रूथ मोआबीन से शादी करने के लिए सहमत हूं। वो क्या है? वो मेरी प्यारी, वो रूथ की बारात है। वाह, ये सब लोग कौन हैं? ये काम करने वाले नगरवासी और मित्र हैं, जो बुआ से उसकी वफादारी और दया के लिए प्रेम करते हैं। वे एक बड़े परिवार जैसे उसकी बारात में सहभागी होने के लिए आए हैं। לך רעייתי, קומי לך יפה שלי, כי הנה סתיו עבר, הגשם כבר חלף לו. קומי לך רעייתי, קומי לך יפה שלי, כי הנה סתיו עבר, הגשם כבר חלף לו. עדיין אחיה, ועד פניה, קומי לך יפה שלי. זרס
सोचो, यदि रूथ यहाँ नयोमी की मदद के लिए नहीं आती, वो बॉस को कभी नहीं ढूंढ पाती, और ये सब कुछ उससे छुप गया होता। मुझे एक अजीब एहसास हो रहा है कि तुम इस सप्ताहांत पर झील पर नहीं आओगे। नहीं, इस समय नहीं। गिज़्मो और मुझे एक सरप्राइज प्लान करना है। कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा होगा तुम कुछ अजीब करने की कोशिश मत करो टिन मैन। हम बस पहुँचने ही वाले हैं। ओह, क्रिस्टोफर, तुम्हारी मशीन मेरा अपहरण करने की कोशिश कर रही है। नहीं, धकेलो नहीं, अपने हाथों को अपने तक रखो। ठीक है, तैयार हो जाइए, अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। आपको कैसा लगा? ये सब तुमने मेरे लिए किया? गिज़्मो और मैंने सोचा कि हम सबको साथ गर्मियों की छुट्टियां मनानी चाहिए, और गिज़ ने तो अपनी पसंद का पुराना संगीत भी डाउनलोड किया है। ओह, तुम एक रेफ्रिजरेटर नहीं हो, तुम बर्फ के कोन बनाने वाला एक ज्यूकबॉक्स हो। चलो खाना खाते हैं। तब बोअज़ रूथ को अपने घर में लाया और वो उसकी पत्नी हो गई। तब रूथ को एक बेटा हुआ और उन्होंने बच्चे का नाम ओबेद रखा। ओबेद यिशै का पिता और इज़राइल के राजा दाऊद का दादा हुआ। जीवन नया करो, जीवन नया।